हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हमारी जो गिनीपिग, जिसके ऊपर मैंने दो तीन वीडियो बनाई भी थी कि वो बच्चे देने वाली है, उस प्रेग्नेंट गिनीपिग ने बच्चे दे दिए, तीन बच्चों को जन्म दिया था। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक बारीकी पता लगे कि जब आपकी गिनीपिग बच्चे देने वाली होगी तो वो कैसा साउंड करती है, क्या उसकी हरकत रहेगी, सारा कुछ डिटेल है। पूरा शुरू से आखिरी तक मैंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं जब रूम में घुसा हूँ, यहाँ पर मुझे काफी अलग आवाज आ रही है। और ये देखिए, ये बच्चे दे रही है। और ये देखिए, एक ये मेरे ख्याल से वाइट है। अभी तो सफाई कर रही है यहाँ पे। और ये देखिए, इसने मुंह साफ कर दिया, काफ़ी अच्छा किया है। वरना कई बार होता है जब बच्चे देती हैं तो जो झिल्ली होती है मुंह के ऊपर लगी रहती है, जिसकी वजह से दम घुट जाता है और बच्चे मर जाते हैं। लेकिन ये देखिए, इसने झिल्ली साफ कर दी और ये बच्चे का चेहरा वाइट और ब्लैक है इसमें और वाइट है। ये देखिए, साफ़ कर रही है, इसको साफ सफाई कर रही है। चलिए वीडियो को ऐसे चलने देते हैं। मैं अगर ज़्यादा बीच बीच में बोलूँगा तो शायद ये डिस्टर्ब ना हो जाए।
उस टाइम पे देख के तो लग रहा था कि बच्चे इसमें कम से कम 3 या 4 तो होंगे, देखते हैं। वैसे अभी तक तो कोई हलचल नहीं हो पाई है। ये पूछ रही है उसको, ओह ये भाग रही, फिर से भाग रही है। ये देखिए देखिए देखिए, और मेरे ख्याल से एक और आ रहा है, एक और बच्चा आ रहा है। जी देखिए, ब्लैक कलर का है ये, और ये आधा ब्लैक है और आधा वाइट है मेरे ख्याल से। देखिए अभी तो निकाल के साफ़ करिए इसको, मैं वीडियो चलने देता हूँ, बोलूँगा नहीं बीच में। ओ ओ ओ ओ, इसके मुंह पे झिल्ली लगी हुई है, देखिए देखिए देखिए, इसको दिक्कत हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, कैमरा पकड़ के हटाता हूँ। ये देखिए, ये झिल्ली हट गई। ओह ये देखिए, अब इसने सांस ली बड़ी ज़ोर से। यहाँ पे अब इसको साफ़ सफाई चल रही है। चलिए अब हमारे पास 2 बच्चे हो गए, देखते हैं, और शायद 2 हों या 1 हों। Thank you.
दो बच्चे तो हो गए, ये देखिए यहाँ पे तीसरा भी आ रहा है। अब ये देखिए ये निकल रहा है और मुड़ गई है ये, और थोड़ा सा पेन जो होता है वो यही लोग समझ सकती हैं, ये देखने वालों को शायद ना समझ में आए, लेकिन ये देखिए आ रहा है बाहर और हल्का हल्का उसका मुंह दिख रहा है ये देखिए। और मेरे ख्याल से ये देखिए आ गया बाहर आ गया। ओ अभी उसकी झिल्ली हटाएगी, सबसे पहले झिल्ली काटेगी ये, और यही सबसे पहला काम है। ये देखिए ओह उसके मुंह पे अभी झिल्ली लगी हुई है, एक मिनट ये साफ़ कर रही है। मैं अगर टच करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरे वाले का तो थोड़ा सा ये था कि ये चेहरा इसका हटा हुआ था। ओ वाह ये देखिए इसने झिल्ली हटा दी। ओहो नन्हे मुन्ने ये देखिए। तो मेरे पास यहाँ पे अब तीन गिनी पिग्स के बच्चे हो गए हैं, अब देखते हैं शायद एक और आ जाए। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बाय चांस आपकी गिनी पिग या कोई भी पेट अगर आपका बच्चा देता है तो यहाँ देखिए कैमरे में, वैसे तो नहीं दिखाने वाला था मैं लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ, ये जो भी इसके अंदर से ये गंदगी निकली है ये अगर खाती है तो इसको खाने दें। अपना इसमें कोई भी कलाकारी ना दिखाएं कि हम इसको साफ़ सफाई कर देते हैं, वायरस होते जर्म्स होते बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है। इनको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और इससे इनके बॉडी में रिकवरी हो जाती है दोबारा से प्रोटीन की। तो ये जो भी खाएगी जो भी करेगी आपको करने देना है, ये माँ है इसको बिल्कुल पता है कि अपने बच्चे को कैसे क्या करना है, तो ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आपको डरना नहीं है। और यहाँ जैसे ये जो भी खा रही है इसको खाने देना है। तो ये देखिए अभी बच्चे को चाट के साफ़ करेगी, और पीछे दो के ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया क्योंकि रात का समय है और थोड़ा सा ठंडा भी है मौसम, तो इन लोगों को ठंड ना लगे। और ये देखिए अभी ये जो इधर बच्चा है जिसकी एक आँख ब्राउन और ब्लैक है, इसकी नार इसकी माँ से शायद जुड़ी हुई है या कट गई है, ये देखिए हाँ जुड़ी है हल्की सी, तो ये बाद में इसको साफ़ कर लेगी काट पीट के, इसकी दिक्कत नहीं है हमें। ये देखिए अब ये थोड़ा सा देखिए इसने नार को अलग कर लिया, खुद ही काट लिया था वहाँ पे, तो अब कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा बच्चा अगर देना होगा तो दूसरा देगी। तो एक्चुअली मैं आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ, अगर पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आए तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है और इसके लिए दिक्कत परेशानी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये देखिए तो तीन बच्चे हो गए, अब वेट करते हैं, क्या पता एक और आ जाए। तो ये देखिए फिर से वैसे ही कर रही है, और शायद एक और बच्चा आने वाला है, तो देखते हैं। ये देखिए अभी बिजी है बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक और बच्चा आ रहा है, तो लेकिन ये बिल्कुल ऐसे बैठ गई है, वहाँ तक कैमरा ले जाना थोड़ी सी दिक्कत है, दीवार है वहाँ पे, और ये साफ़ सफ़ाई कर रही है, मेरे ख्याल से तो बच्चा ही है, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं बच्चा नहीं है, सिर्फ सफाई कर रही है। Thank you.
तो फ्रेंड्स अब इसको देखकर मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है अब कि इसमें अब और बच्चे हैं। ये तीन ही बच्चे थे मेरे ख्याल से, और जो इसका पेट है वो भी काफ़ी पतला हो गया। तो अब मेरे ख्याल से इसको बच्चे नहीं देने, अब ये तीन ही बच्चे थे और ये तीनों आ गए हैं। ये देखिए एक साइड का पेट थोड़ा अब कम है, लेकिन दूसरे साइड का लग रहा है देखने में कि क्या पता हो। तो मेरे ख्याल से सिर्फ तीन ही देगी, लेकिन जितने भी थे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, ठीक है, जो भी है अच्छा है। Thank you.
ये देखिए अभी भी सफाई जारी है, और मेरे ख्याल से अब जितने बच्चे देने थे दे दिए, अब और बच्चे नहीं हैं तो, लेकिन फिर भी एक बार रुक जाते हैं, काफ़ी देर से ये झुकी हुई है। ये देखिए पीछे तीनों बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और काफ़ी फुर्तीले बच्चे हैं। देखिए इसमें से एक है जिसका आधा पूरा आधा आध चेहरा काला है। ओहो ये देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो खून की तरह से ये निकला हुआ है ये झिल्ली, ये जब हो जाता है तो उसके बाद मतलब अब आपकी गिनी पिग या फिर रैबिट जो भी है उसने बच्चे दे दिए और अब पूरा हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी गिनी पिग ने 3 बच्चे दे दिए हैं, अभी ये साफ़ सफाई कर रही है। अब करता हूँ मैं कैमरा क्लोज, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ और अब हमारे नए नन्हे स्टार्स के साथ। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।